गिरीश कार्तिक ने बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। तो दोस्तों इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। अब ब्लू कलर में देख सकते हो मैंने टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो एक के बाद एक धराधर इस तरीके से आप एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल बना सकते हो क्रिकेट के ऊपर, जैसे की लाखों लोगों ने बनाया है। दोस्तों आज हम सीधी बात नो बकवास करेंगे, क्रिकेट हाइलाइट्स या फिर क्रिकेट फैक्ट वीडियोस हम यूट्यूब पे अपलोड करके अर्निंग करने के बारे में सीखेंगे। लाखों करोड़ों व्यूज इन वीडियोस पे आते हैं लेकिन काफी सारे लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हो नहीं पाते। क्यों नहीं हो पाते? काम ही गलत तरीके से वो लोग कर रहे हैं। मुझे अक्सर कंप्लेंट्स आते रहती है, भाई मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गई, कॉपीराइट क्लेम आ गया, क्रिकेट की वीडियो मैं जब भी डालता हूँ तो भाई किसने तुम्हें बोला कि क्रिकेट की वीडियो यहाँ से उठाओ और सीधा का सीधा डाल दो? ऐसा नहीं होता है। अरे वो करोड़ों रुपए लगा के क्रिकेट का बिजनेस बना रहे हैं और आप सीधा उठा के डाल दोगे? नहीं होता है। सही तरीका सीखो, कब तक गलत काम करते रहोगे यार। इस वीडियो में प्रूफ के साथ सारा डिटेल मैं शेयर करने वाला हूँ, क्रिकेट हाइलाइट्स और क्रिकेट फैक्ट वीडियोस कैसे आप YouTube पे अपलोड करके अर्निंग कर सकते हो। इस तरीके के क्रिकेट हाइलाइट्स वीडियोस पे हमेशा व्यूज आते रहते हैं। आप खुद YouTube पे जाकर क्रिकेट हाइलाइट्स लिख कर देख सकते हो। और अब मैं एक चैनल दिखाता हूँ आपको जो मोनेटाइज्ड भी है। ये देखिए, इनके चैनल पे टोटल 179,000 सब्सक्राइबर्स है और मंथली 14 मिलियन से ज्यादा व्यूज यहाँ पे आते हैं। ये इनकी वीडियोज एक बार देख लीजिए, दो दिन पहले इन्होंने अपलोड किया और 67,000 व्यूज ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। और इनकी अर्निंग का अगर एक अंदाजा अगर हम लगाए तो मिनिमम ये लोग $3,500 हर महीने के छाप रहे हैं। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके ही अपने चैनल टिप्स वाला पर। कोई भी आपका इस वीडियो या किसी भी वीडियो से रिलेटेड सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछो या मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये रही, यहाँ पे मुझे फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए हम ट्यूटोरियल देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिकेट के दीवाने हो तो एक वेबसाइट है जो आपके लिए माइंड ब्लोइंग अंधा पैसा छापने की अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आया है। ये वेबसाइट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ खरीदा हुआ है। यहाँ पे आपको सिंपली NFTs खरीदने, दो NFTs क्रिकेट वाले, एक बैटिंग वाले एक बॉलिंग वाले। इन दोनों को यूज करके आप हर दिन गेम खेल सकते हो, पैसे जीत सकते हो और अपनी NFTs को, मान लो आपने $25 में NFT खरीदी, उसको $50 में एक महीने बाद किसी को बेच दो। और यही नहीं, 100 लकी विनर्स को बम्पर प्राइज भी मिलने वाले। चलिए देखते क्या ये वेबसाइट है। दोस्तों जिस वेबसाइट की मैं बात कर रहा था उसका नाम है jump.trade, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेबसाइट और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने डाल दिया। यहाँ पे आप देखिए ये कॉन्टेस्ट होने वाला है, बिग मैड विनिंग्स, जैसा कि नाम आपको सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे क्रेजी विनिंग्स यहाँ पे होने वाली है। ऑलरेडी पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है इस वेबसाइट के बारे में। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दो NFTs खरीद के रखी है। मैं NFTs के बारे में अभी आपको बताता हूँ अगर आप नए व्यूअर हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप BMW की मोटरसाइकिल जीत सकते हैं, iPhone 14 जीत सकते हैं। और इस वेबसाइट के बारे में आप ट्विटर पे, फेसबुक पे, YouTube पे, Google पे, कहीं पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी वेबसाइट है और बहुत नामी सेलिब्रिटीज जिनको सभी दुनिया जानती है उनको ये इन्वॉल्व करके प्रमोशंस कर रहे हैं ये लोग। कितना पैसा लगाया इन्होंने इस चीज के बारे में आपको आइडिया ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, गेमिंग लैपटॉप जीत सकते हैं, प्लेस्टेशन जीत सकते हैं और भी बहुत सारे गिफ्ट है, स्मार्ट वॉच है आपके, यहाँ पे Xbox सीरीज है, यहाँ पे आपको OnePlus के हेडफोन्स मिलेंगे, ब्लूटूथ हेडफोन्स, यहाँ पे कई तरह के घड़ियां है, बाइक है, मोटरसाइकिल है, लैपटॉप है, यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स है। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिर्फ कम पैसे वाले दो NFTs यहाँ पे आपको परचेज करने पड़ेंगे और सिर्फ उससे आप यहाँ पे 100 लकी विनर यहाँ पे चुने जाएंगे। एक महीने के अंदर ये कॉन्टेस्ट होगा और 100 विनर्स 30 डेज यहाँ पे देख सकते हैं। 30 डेज के अंदर आपको मतलब कितना पैसा, आप अंधा पैसा कमा सकते हो आपको आइडिया भी नहीं है। यहाँ पे इनके होम पेज पे अगर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ से आपको NFTs खरीदने का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकता है। नीचे जब आओगे तो ये NFTs होते हैं दोस्तों, ये जो फोटोज आपको दिख रहे हैं ना ये NFTs कहलाते हैं। NFTs क्या होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये होता है नॉन फंजिबल टोकन्स, यानी कि जो आपके पास है वो किसी और के पास यूनिक नहीं होगा, ठीक है। आप NFT, एक NFT दूसरे NFT के साथ ही खरीद बेच सकते हो। और इस वेबसाइट पे अगर आप NFTs खरीदते हो मिनिमम दो NFT आपको खरीदने पड़ेंगे। बहुत ही सस्ते यहाँ पे NFTs आपको मिल जाएंगे, $20-25 के भी NFTs यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ से जस्ट आपको लॉगिन करना है यहाँ पे या फिर साइन अप करना अगर आप नए यूजर हो। और इन NFTs को यूज करके इसी वेबसाइट पे, मान लो $25 का NFT आपने खरीदा, उसको आप $50 में बेच सकते हो या फिर उन NFT को यूज करके क्रिकेट के गेम्स यहाँ पे आप एवरी डे खेल सकते हो। और एवरी डे टूर्नामेंट यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 35 मिनट के अंदर ये टूर्नामेंट शुरू होगा। उन NFTs को यूज करके यहाँ पे आप क्रिकेट टूर्नामेंट खेल सकते हो और
आप बहुत सारे पैसे एवरी डे यहाँ पे इनकम कर सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ से एक बैट्समैन का एनएफटी खरीदना पड़ेगा और एक बॉलर का एनएफटी खरीदना पड़ेगा, यानी कि एक से आप बैटिंग करोगे, एक से आप बॉलिंग करोगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे साइन अप करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और अपना अकाउंट ऐड करके यहाँ से दो एनएफटीज खरीद सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जाके चेक कीजिए इसके बाद। तो दोस्तों अब वक्त हो गया ट्यूटोरियल का, चलिए देखते हैं कैसे हम क्रिकेट वीडियोस के हाइलाइट्स और फैक्ट्स को यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस टाइप की वीडियो बनानी है, मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों दिनेश कार्तिक ने बहुत ही बड़ा खुलासा किया है, रोहित शर्मा ने जैसा होगा कि उन्होंने उनकी गर्दन पकड़ ली। तो दोस्तों इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, दोनों मैं इजीली बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन आपको समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है किस टाइप से किया जाता है। ऊपर ऊपर से समझ के जाओगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्रिकेट की वीडियो में अगर आप करियर बनाना चाहते हो, यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, बहुत लोग बहुत सारी बातें आपको बोलेंगे आके, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मैं सब कुछ आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। इस बंदे का जो चैनल है यहाँ पे ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, थैंक्स का बटन है, और ऐसे ही बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप वॉइस ओवर डालते हो ऐसे स्लाइड शो के साथ तो आपका चैनल मोनेटाइज हो ही जाता है। अगर आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर 365 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं तो, लेकिन बिना वॉइस ओवर का अगर आप सीधा वीडियो उठा के डालते हो क्रिकेट वाली, तो बिजली से तेज आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पे मिल जाएगी। और यही रीजन है कि मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर्स ऐसी वीडियोस बनाना चाहते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक्स आ जाती है। तो आपको सिंपली क्या करना है, दो तरीके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको सीधा लिखना है क्रिकेट फैक्ट्स इंडिया, ठीक है, ये आपको गूगल पे जाके लिखना है। तो यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है, आप गूगल ट्रेंड्स के वेबसाइट पे जाइए, ये सब कुछ आप फोन पे कर सकते हो, ठीक है। ये trends.google.com ये वेबसाइट पे आप जब जाओगे तो ये गूगल ट्रेंड्स वाली वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप कंट्री अपनी सिलेक्ट करते हो, जैसे मैंने इंडिया करके रखा है, ठीक है, आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जो भी आपकी कंट्री है वो आप सिलेक्ट कर लो, तो क्रिकेट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो यहीं पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहीं पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं अगर मोर ट्रेंडिंग सर्चेस पे क्लिक करता हूँ तो ये आज के डेट में जो भी ट्रेंडिंग सर्चेज है आपके, आपको हर दिन वीडियो का टॉपिक यहाँ पे मिल जाएगा। एवरी डे यू कैन मेक अ न्यू वीडियो ऑन क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, ये देखिए आपको दाएं साइड में सारा इमेजेस दिख रहा होगा और बाएं साइड में सारे टॉपिक्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर सबसे हॉट टॉपिक अगर देखें क्रिकेट का, तो अभी ये चल रहा है 13 नंबर पर। यहाँ 10,000 से ज्यादा सर्चेस इस वक्त हो रहे हैं दोस्तों, और ये सिर्फ अभी एक घंटे पहले का टॉपिक है, ठीक है। एक घंटे में ऑलरेडी 10,000 से ऊपर सर्चेस हो चुके हैं और ये मतलब पागलों की तरह लोग सर्च कर रहे हैं। तो इस टॉपिक पे अगर हम क्लिक करते हैं तो मुझे ये सारे तीन न्यूज मिलेंगे और इससे ज्यादा और न्यूज यहाँ पे, इसको मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा और बहुत सारे न्यूज मुझे मिलते जाएंगे। तो मान लीजिए मैं पहला न्यूज यहाँ पे चूज करता हूँ, ये वाला न्यूज, तो इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये हिंदुस्तान टाइम्स का वेबसाइट ओपन होके आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये वाला आर्टिकल ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये वाला पैराग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे मुझे वीडियो बनानी है, ठीक है। ये लेटेस्ट टॉपिक है और ये हाईलाइट है, यहाँ से मुझे कॉपी करना है ये टेक्स्ट जो भी है। अब ब्लू कलर में देख सकते हो मैंने टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट की वेबसाइट ओपन करनी है। तो अगर आप लैपटॉप से काम कर रहे हो तो यहीं पे आपको गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाएगा अपने गूगल क्रोम के ऊपर टॉप पे, ये देखिए ये है। और फोन पे अगर कर रहे हो तो सीधा गूगल ट्रांसलेट लिख लो, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। बहुत ही ऐसी माइंड बॉगलिंग चीजें मैं बताने वाला हूँ जो शायद आज से पहले आपने ना सुनी होगी ना देखी होगी, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखना। ये यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं सीधा अपना जो टेक्स्ट है उसको कॉपी पेस्ट करूंगा और यहाँ पे दाएं साइड में मेरा जो भी टेक्स्ट है वो हिंदी में ट्रांसलेट होके आ चुका है। अब यहाँ पे आप चेक कर लो, चेक करना बहुत जरूरी क्योंकि कई बार होता है कि कई शब्दों के मतलब दूसरे निकल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख लूंगा यहाँ पे जो भी है, इसको अगर ठीक करना है ठीक कर लूंगा और ठीक नहीं करना तो यहाँ से सीधा मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करूंगा, ठीक है। अब आप इस टेक्स्ट को कॉपी करके या तो अपने फोन पे रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर आप क्लिपचैम्प वेबसाइट पे जाके, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, वहां से आप इसको AI वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखाने वाला हूँ। दोस्तों लॉगिन करने के बाद यहाँ पे क्रिएट अ वीडियो का ऑप्शन आता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको रिकॉर्ड एंड क्रिएट का यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बाएं साइड में आपको दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आएंगे, टेक्स्ट टू स्पीच पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट जो अपना है उसको पेस्ट कर देना है। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोड हो रहा है, यहाँ पे मुझे लैंग्वेज में हिंदी सेलेक्ट करनी है और वॉइस में मैनली या फिर फीमेल वॉइस रखनी है, आपको जो भी प्रेफरेबली सही लगता है।
जैसे कि मैं मैनली वॉइस हमेशा चूज करता हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको हिंदी सबसे पहले तो चूज करना है, ये देखिए हिंदी का ऑप्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दो है, एक मैन का है एक वुमेन का वॉइस, मैस्कुलिन और फेमिनिन, तो मैं मैस्कुलिन वॉइस चूज करता हूँ, और स्पीड को मैं यहाँ पे फास्ट कर दूंगा इस तरीके से। मैं आपको सुना कभी दिखा दे रहा हूँ कैसा ये साउंड कर रहा है। सचिन तेंदुलकर की बदौलत इंडिया लीजेंड्स ने शुरुआत की, जिन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में 40 रन बनाए। तो दोस्तों ये मेरा टेक्स्ट जो है ये बन चुका है, अब मैं सेव टू मीडिया करूंगा और इस तरीके से आप टेक्स्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पूरा प्रोसेस समझना है, मैंने पिछली कई सारी वीडियो में ये बातें बताई हुई, आप जाके देख सकते हो। अभी मैं इसको डिटेल में ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये मैं डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा जो है वो वॉइस डाउनलोड हो चुका है। आप कोशिश करना कि अगर हो सके तो मोबाइल पे वॉइस को रिकॉर्ड कर लेना बढ़िया से, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और इस वेबसाइट का भी यूज कर सकते हो या फिर कोई भी AI वॉइस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको 80% चांस रहता है मोनेटाइज होने का, 20% की जो रिस्क है वो फिर भी रह जाएगी आपको, लेकिन कोशिश कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आपको पेड सॉफ्टवेयर कोई मिलता है टेक्स्ट टू स्पीच वाला जो AI सॉफ्टवेयर है, हमेशा याद रखना रोबोटिक वॉइस नहीं यूज करना है, AI वॉइस यूज करना अगर मजबूरी में करना पड़े तो, ठीक है। तो इसको मैं अभी कैंसिल करता हूं, अभी हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। अभी दोस्तों यहां पे मेरा जो मेन ये था टॉपिक था वो था इंडिया लेजेंड्स वर्सेस इंग्लैंड लेजेंड्स, ठीक है। अभी मैं दो काम कर सकता हूं, या तो यहां से कॉपी करके मैं यहां पे टॉपिक को मैंने कॉपी कर लिया और यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी मैंने कर दिया, और यहां पे इमेजेस पे मैं क्लिक करता हूं। या तो आप इन इमेजेस को यहां से डाउनलोड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो मैं आपको सीधा बताता हूं। अपने YouTube चैनल पे जाके ये देखिए यहां पे सिंपल से ये टॉपिक आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहां पे जो मैंने यहां से कॉपी किया था इंडिया लेजेंड्स वर्सेस इंग्लैंड लेजेंड्स, ठीक है, इसको आप क्लिक कीजिए, ठीक है, इसको सर्च कर लीजिए एक बार। तो दोस्तों यहां पे आपको ये सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब आप फिल्टर पे जाके यहां पे कीजिए लास्ट आवर या टुडे कर दीजिए, ठीक है। टुडे आप कीजिएगा तो आज जो जो वीडियोस अपलोड हुए हैं वो यहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने इतने सारे सर्च रिजल्ट आ गए जब मैंने सर्च किया यहां पे इंडिया लेजेंड्स वर्सेस इंग्लैंड लेजेंड्स, ठीक है। तो ये आप यहां से ऑफिशियल वीडियो जो है वो आप चूज कर सकते हो। मान लीजिए ये वीडियो मैं देखता हूं, लेकिन ये सारे वही काम कर रहे हैं जो मैं आपको इस वीडियो में ट्यूटोरियल दे रहा हूं, ठीक है। तो ये कोई बताना नहीं चाहता आपको, मैं आपको आज बता रहा हूं। वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं इन सब टॉपिक्स के लिए मैं, ठीक है। तो एक्चुअली में ये कैसे किया जाता है वो मैं बताने जा रहा हूं अभी, ठीक है। यहां से कोई भी स्लाइड शो वाला वीडियो नहीं उठाना, ये लोग वही काम कर रहे हैं जो आप सीख रहे हो अभी के अभी, ठीक है। तो यहां से अगर कोई वीडियो मिलती है पूरा फुल लेंथ वीडियो अगर आपको यहां पे कोई मिलती है तो उसको आपको उठाना है, और बिल्कुल कॉपीराइट स्ट्राइक का क्लेम नहीं आएगा मैं जिस तरीके से आज आपको बताने जा रहा हूं उस तरीके से। अगर आपको यहां पे वीडियो नहीं मिलती है आप सीधा गूगल पे जाके सर्च कर लो यहां पे टॉपिक और वीडियोस पे क्लिक कर दो। तो जैसे कि ये वीडियो मुझे दिख रही है, ये नीचे तीसरे नंबर पे, ये नीचे जो तीसरे नंबर पे वीडियो है ये लाइव चल रही है, ठीक है। तो ये वीडियो मैं ओपन कर लूंगा, यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा हुआ है ये वीडियो, तो इस वीडियो को मैं डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। अगर देख लेना टॉपिक सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर टॉपिक कुछ और सर्च कर रहे हो, अगर आपको क्रिकेट की नॉलेज है तो आपको पता चल जाएगी किस टॉपिक पे कौन सा वीडियो, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इस वीडियो को अपने कंप्यूटर या फोन पे सेव कर लूंगा पहले, ठीक है। क्या करना है हमें, इस वीडियो को सेव या डाउनलोड कर लेना अपने सिस्टम पे, तो मैं इसको अभी करने जा रहा हूं। अभी हमें क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। अभी देखिए आपको एक वेबसाइट पे जाना है, इस वेबसाइट का नाम है दोस्तों ezgif.com। अब इसको कैसे बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये काफी सालों से ये वेबसाइट यूज करता आ रहा हूं, तो जो तरीके मैंने बताए हैं आपको ये मैं ऑलरेडी करके देख चुका हूं। इस पे आपको कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो वीडियो का यहाँ पे क्या करना, मैं ये लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो वहां से भी जाके देख सकते हो इस वेबसाइट को। यहाँ से क्या करना, जो वीडियो आपने डाउनलोड की वो अपने कंप्यूटर या फोन से, ये चूज फाइल का आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको अपने सिस्टम से फाइल को चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, या फिर सीधा यहाँ पे आप YouTube का URL भी डाल सकते हो। जो भी वीडियो आपको डाउनलोड यहाँ पे चेंज करना, यहाँ पे होगा क्या मैं ये बता दे रहा हूँ, जो भी वीडियो आप यहाँ पे डालोगे उसके इमेजेस बन जाएंगे, यहाँ पे वीडियो से इमेज आप बना सकते हो कुछ इस तरीके से, अभी आपके सामने मैजिक होने वाला है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा वीडियो है ये अपलोड हो चुका है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 100 MB का साइज यहाँ पे अपलोड करने देता है ये वेबसाइट, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कुछ लिमिटेशंस रहती हैं यहाँ पे। तो आप कोशिश करना जो भी वीडियो आप YouTube से सेव कर रहे हो
उसको मतलब किसी वीडियो एडिटर में यूज करके रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम कर लेना, उसके साइज को 100 MB से कम रखना, ठीक है 100 MB से कम रखना है। और यहाँ पे आपका थोड़ा टाइम लग सकता है, वो डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे। मेरे पास वाईफाई है तो स्पीड थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे होता है, लेकिन आज मेरा वाईफाई भी स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्ट टू JPG का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है, ये सब कुछ आप मोबाइल से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कन्वर्ट टू JPG का जो बटन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक के बाद एक धराधर जो भी वीडियो में आपके स्क्रीन्स थे, फ्रेम्स थे, सब मुझे इमेज के रूप में यहाँ पे मिल जा रही है। देखिए धराधर मुझे मिल रहा है, मतलब पूरी वीडियो को इसने इमेज में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए पूरी वीडियो को इसने इमेज में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों। तो आपको यहाँ से एक एक करके भी आप इमेज डाउनलोड कर सकते हो, या एक साथ बल्क में कर लो, बाकी आप छांट लो, बाद में डिवाइड कर लो कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना है, ठीक है। ये देखिए इसके बाद एक के बाद एक आते जाएगा, ये आते जाएगा, ठीक है, इमेजेस यहाँ पे आते जाएंगे, बहुत सारे इमेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मुझे क्रिकेट की नॉलेज है नहीं, इसीलिए मुझे पता नहीं एक्चुअली कौन सा इमेज कहाँ पे जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, तो आप ही डिसाइड कर लेना। मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझा के दिखा देता हूँ। वैसे तो यहाँ पे जो भी इमेजेस है सारे आ चुके हैं, तो ये मैं डाउनलोड फ्रेम एज जिप फाइल, ये आपको यहाँ पे क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ पे बाकी ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड फ्रेम एज जिप फाइल करता हूँ, तो ये मैं एक बार एक ही साथ यहाँ पे मेरा सारा जो इमेज है एक ही बंडल में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा ये जो जिप फाइल है ये आ चुका है यहाँ पे, तो इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा। जब यहाँ पे राइट क्लिक मैं कर रहा हूँ और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन मिलता है, मोबाइल पे भी आपको मिल जाएगा, अगर मोबाइल पे आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर ये सब इंस्टॉल्ड है, जिप वाला जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल है, तो आपका मोबाइल पे भी ये काम हो जाएगा। तो एक्सट्रैक्ट हेयर पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सारे इमेजेस मुझे अलग अलग यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए सारे इमेजेस मेरे एक साथ यहाँ पे आ गए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे इमेजेस जो है एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं मेरे यहाँ पे। अब मुझे एक वीडियो एडिटर चाहिए, तो मैं यहाँ पे मोवैबी का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैं यूजुअली करता हूँ अपने लैपटॉप पे। आप फ़ोन पे कोई सा भी फ्री एडिटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको 1280x720 का रेजोल्यूशन सेट करना है, जो कि यूट्यूब लॉन्ग वीडियो का रेजोल्यूशन होता है, या फिर 1920x1080 का रेजोल्यूशन चूज़ करना है आपको, ठीक है। यानी कि मोटा मोटी आप समझिए तो 16:9 ये वाला रेशियो आपको सेलेक्ट करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इमेजेस यहाँ से एक एक करके उठाने पड़ेंगे, ठीक है। ये इमेज आप उठाओ, यहाँ पे बिल्कुल आपका कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक कुछ नहीं आएगा। आप अगर चाहो तो थोड़ा एडिट भी कर सकते हो एडिटर के अंदर ही जाके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज डाल दिया, इसके बाद मैं धीरे धीरे जो भी इमेजेस है मेरे मुझे लगता है तो वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो ये वाला इमेज मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, इसके बाद मैं ये वाला इमेज यूज़ कर लूँगा यहाँ पे, और इसी तरीके से जो भी इमेजेस मेरे पास है उसको मैं अपने डायलॉग्स के हिसाब से, जो भी वॉइस ओवर हमने किया उसके हिसाब से यूज़ कर लूँगा। हो सकता है यहाँ थोड़ा इधर उधर के इमेजेस आ गए होंगे, क्योंकि मैंने वीडियो पूरी देखी नहीं उसमें क्या था क्या नहीं था। तो यहाँ पे जो भी मुझे इमेजेस मिले, और मुझे क्रिकेट के बारे में नॉलेज भी नहीं है तो इसलिए मैं कुछ यहाँ पे बता नहीं सकता कि मैं सही इमेजेस लगा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आपको पता लग जाएगा कौन सा इमेज कौन से डायलॉग के साथ या कौन से वॉइस ओवर के साथ जा सकता है, ठीक है। इसके बाद मुझे ये जो वॉइस ओवर मैंने डाउनलोड किया था ये ऑडियो फाइल यहाँ से उठा के यहाँ पे वीडियो एडिटर के नीचे लगा देना है, ठीक है। ऊपर क्या हो गया इमेजेस हो गए, नीचे क्या होगा वॉइस ओवर फाइल हो गया। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर के हिसाब से यहाँ पे मैं इमेजेस को एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे छोटा मैंने थोड़ा सा कर लिया इसको, ये मैंने इस फाइल साइज को थोड़ा सा छोटा कर लिया यहाँ पे, तो ये इस तरीके से आ गया मेरा। और यहाँ पे मैं बीच बीच में ट्रांजिशन भी डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे इस इमेज से आपका दूसरे इमेज में जब जा रहा है ये ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे एक बढ़िया सा ट्रांजिशन मैं यहाँ पे कर दूंगा, जैसे कि ये ट्रांजिशन मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसके बाद ये वाला ट्रांजिशन जो है मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सचिन तेंदुलकर की बदौलत इंडिया लीजेंड्स ने शुरुआत की, जिन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में 40 रन बनाए। उनके गिरने के बाद सुरेश रैना और यूसुफ पठान ने 40 रन की साझेदारी के साथ नरसंहार जारी रखा। इस तरीके की कुछ वीडियो आप बना सकते हो और ऐसा ही थंबनेल आप अपलोड कर सकते हो, बिल्कुल रॉ थंबनेल, और टाइटल जो भी आपका टॉपिक है वो बीच में कहीं यहाँ पे इमेज में आप लिख सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से आप लाइव वीडियो जो भी है उससे आप इमेजेस निकाल कर आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसी टाइप से ये आपका क्रिकेट हाईलाइट हो गया। और अगर आप क्रिकेट फैक्ट्स बनाना चाहते हो तो गूगल पे कोई भी क्रिकेट फैक्ट का वेबसाइट ढूंढ के
वहां से टेक्स्ट को कॉपी करके जो भी प्रोसेस मैंने दिखाया सेम प्रोसेस से आप अपलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल बना सकते हो क्रिकेट के ऊपर, जैसे कि लाखों लोगों ने बनाया है लेकिन बाकी सारे लोगों को पता नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं। और बहुत मेहनत लगी इस वीडियो के पीछे दोस्तों, एक लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो आप, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपके चैनल पर नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन से आपको पता लगेगा कि मैंने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो डाली है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं दोबारा मिलूंगा आपसे ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तो आज के लिए टाटा।